बात कर रहा हूं। नहीं, उसके बाद भी हम और भी कुछ है, ये जो जमीयतुल उलमा हिंद है ना, इसका खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, और दिल्ली से लेके लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं बचा था जिसपे हमारे उलमाओं को अंग्रेजों ने काट के टांग नहीं दिया। मगर वो सावरकर नहीं थे कि अंग्रेज से कहते अंग्रेज मुझे माफ कर दो। अरे वो परिस्थितियां विपरीत थी, इसलिए विपरीत फंस गए थे सावरकर। डरपोक डरपोक और बुजदिल के लिए परिस्थितियां विपरीत होती हैं। हमारे बुजुर्ग बहादुर थे, उन्होंने अंग्रेज के तलवे नहीं चाटे, फांसी के तख्ते को चूमा। ये तो बुजदिलों का बहाना होता है कि हवा उल्टी चल रही है। हमने तो उल्टी हवाओं में हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया। आप हमसे पूछोगे वंदे मातरम क्या होता है? आप हमसे बताएंगे वंदे मातरम? हमसे कहलवाएंगे आप? आप हमसे बोलोगे वंदे मातरम? संबित पात्रा के, संबित पात्रा और संघ के लोग, आरएसएस के लोग, ये देश जानता है गांधी को कौन मारा? कौन मारा गांधी को? नाथूराम गोडसे मारा। गोडसे कौन था? आरएसएस का मेंबर था? नहीं था। ये तो बात पुरानी हो गई, सजा भी हो गई, छोड़िए उसकी बात पुरानी हो गई तो भूल जाएंगे। एक मिनट, तो ये उठाते क्यों हो उस मुद्दे? बात पुरानी हो गई तो भूल जाएंगे। अंग्रेज भी पुराने थे, अंग्रेज को क्यों याद करते हो? क्यों जलियांवाला बाग याद करते हो? भूल जाओ, क्यों याद करते हो? ये लोग तो औरंगजेब को भी याद करते हैं। क्यों रानी लक्ष्मीबाई को क्यों याद करते हैं? औरंगजेब को भी याद करते हैं। ए दे जिसको